चुका है हमारा हेलमेट सेटअप कुछ ऐसा। यह है डॉली की टपरी जो आप मेरे लेफ्ट में देख रहे हो ना, तो सर पे कैप है, हेलमेट नहीं है। हेलमेट तो भी पहनना चाहिए ड्रेस पे हो तो। तो अभी हम लोग फिलहाल कनेक्ट करके देखेंगे ये GoPro 12 को। ये फिलहाल लोकल माइक है, ये लोकल क्या बोलते हैं हेडफोन है, उससे कनेक्ट करके देखेंगे होता है क्या ना। देखो आप, ये एयरपोर्ट नहीं है ये, लेकिन एयरपोर्ट जैसे ही समझ जाओ, लेकिन लोकल है। इसका साउंड देखते कैसा आ रहा। फिलहाल ये माउंट हो गया है सामने में, ये हो गया अपना कनेक्ट, देखते इसका साउंड कैसा होता है। आवाज कैसी रिकॉर्ड हो रही है देखना पड़ेगा ब्लूटूथ से, क्योंकि आवाज की जो क्वालिटी है उतनी खास नहीं आ रही थी। अभी अपने पास एक ऑप्शन और है, अभी दोस्त के पास ब्लूटूथ माइक है, हेलमेट का जो ब्लूटूथ माइक आता वो है, तो वो देखते हैं उसकी क्वालिटी कैसी आती है, वो देखते हैं। अभी अगर से कनेक्ट हो जाता है और ऑडियो क्वालिटी वगैरह अच्छी रहती है तो फिर उसको ट्राई करेंगे। जो मैंने ये ईयरबड लगाया उसमें बीप तो सुनाई दे रही है फिलहाल, स्टार्ट या ऑफ कर रहा हूँ तो। अभी जाके देखते हैं यूलांसी का केस मिलता है क्या, क्योंकि ऑनलाइन मंगा रहा हूँ तो ऑनलाइन बहुत टाइम दिखा रहा है। अभी 11 अक्टूबर को दिखा रहा है और आज की तारीख है 5, तो खर्चा अभी कंटिन्यू लगा ही हुआ है। नेक्स्ट राइड होने वाली है थोड़ी सी लंबी, तो नेक्स्ट राइड के पहले करना है एक अच्छा सा सेटअप, क्योंकि राइड होने वाली है थोड़ी सी खास। और आपको जैसे कि मैंने बोला हूँ, आप कंटेंट कंटिन्यू आते रहेंगे। मेन GoPro 12 लेने के पीछे का मकसद ये था कि जैसे पिछले बार हम लोग जब लद्दाख ट्रिप के लिए निकले थे यहाँ सितंबर के महीने में, तो कंटिन्यू हमको बारिश मिली थी। नागपुर से लेके श्रीनगर तक हमको कंटिन्यू बारिश मिली थी। तो वो समय क्या होता था, जब बारिश अगर से लग गई कंटिन्यू 3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यू, तो फिर शूट करना नहीं हो पाता था GoPro से, क्योंकि उसमें लगता है तो आपको लगाना पड़ता है मीडिया मोड या अडाप्टर, दोनों लगा देते हो आप वॉइस रिकॉर्ड के लिए, तो फिर आपका GoPro वाटरप्रूफ नहीं रहता। तो इस वजह से हम लोग ने लिया अभी GoPro 12। इसको आप डायरेक्ट ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो और वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। मेन है वॉइस क्वालिटी की, तो वही चेक करना है कि इसकी क्वालिटी कैसी आती है। ये ऑस्मो एक्शन हमने इसलिए ले लिया, उसकी क्वालिटी तो इससे बेटर थी नाइट में, लेकिन उसमें जो माइक कनेक्ट होता है वो सिर्फ DJI का होता है, दूसरे कोई भी माइक कनेक्ट नहीं होते उसमें। और ये GoPro का ऐसा, इसमें आप कोई भी माइक कनेक्ट कर सकते हो वायरलेस, चाहे हेडफोन रहे चाहे कुछ भी रहे, इसमें कनेक्ट इजीली हो जाता है एकदम। जैसे आप GoPro ऑन करोगे ना, वैसे डायरेक्ट ये रिकॉर्डिंग ले लेता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और DJI Osmo Action ले रहे हो आप 4 या 5, तो फिर आपको DJI का माइक खरीदना पड़ेगा, DJI माइक 2, जिसकी कीमत 10,000 के ऊपर है आज के टाइम में। 11-12 हज़ार का माइक पड़ता है, वो फिर एक्स्ट्रा खर्चा है। इसमें 300, 400, 500 वाला कोई भी माइक कनेक्ट कर लो, आपको टेंशन नहीं है। फिलहाल मैंने जो भी कनेक्ट किया वो ये 500 रुपये ईयरबड है। तो फिलहाल इसका क्वालिटी तो देख लेते हैं दोस्त। इसमें ब्लूटूथ हेलमेट ब्लूटूथ वाला सिस्टम लगा हुआ है, तो उसको भी कनेक्ट करके चेक कर लेंगे। अगर से उसका साउंड थोड़ा भी अच्छा रहता है तो फिर उसको लगा लेंगे अपने हेलमेट में, क्योंकि कैसा है वो अगर से सिस्टम लग जाता है तो एक नंबर काम हो जाता है अपने लिए। फिर उसमें आप सॉन्ग भी सुन सकते हो, बस सॉन्ग सुनने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को, लेकिन एक वायरलेस पानी जब भी आया तो अपन कनेक्ट कर पाएंगे GoPro 12 को। और GoPro हीरो मैंने डाला हूँ फिलहाल मुंबई में बनाने, तो अगर से वो बन के आ जाता है तो मोटर व्लॉगिंग के लिए उसको ज़्यादातर यूज़ करेंगे और इसको फ्रंट में लगाएंगे, क्योंकि उसका मीडिया मोड अपने पास में है। यूलांसी का केस है, इसका भी ले लेता हूँ यूलांसी का केस, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं इसका वॉइस रिकॉर्ड कैसा हो रहा है। फिलहाल हम लोग आगे अभी उपलवाड़ी, अभी कुछ दिनों से पानी नहीं आया करके ये भरा हुआ नहीं है, मैं तो ये पूरा पानी से भरा रहता है। तो मेरे सामने फिलहाल अभी चालू हो रहा ऑटोमोटिव का, अभी ओवरब्रिज का काम चालू है, यहाँ से कुछ दिनों में चालू हो जाएगा, ये भी काम फिनिश होते आ गया। आपको पीछे में बोर्ड दिख रहा होगा, देखो अभी फिलहाल काम होते आ गया, ये हफ्ते में चालू हो जाएगा ये।
जो मेट्रो का ब्रिज है आपको पीछे में दिख रहा है, ये चालू हो जाएगा अभी फिलहाल, एक हफ्ते की और बात है, फिर आपको मैं इससे दिखाता हूँ। पहले जो हमारा गोप्रो एक था ना, तो उसमें सामने की स्क्रीन में क्या शूट हो रहा समझ में नहीं आता ना। और इसमें एक चीज़ अच्छी है, अपन ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं कैमरे से तो दिखता है फ्रेम में कौन कौन है। टच स्क्रीन भले नहीं है इसमें, और उसमें एक्शन में आपको टच स्क्रीन मिल जाएगी। इसमें टच स्क्रीन भले ना हो लेकिन इसमें दिखता है, और वैसे भी सामने की टच स्क्रीन उससे कोई काम नहीं आती नहीं देखा जाए तो। सेट करने के लिए आपको पीछे की जो बड़ी स्क्रीन है उसी से सेट करना पड़ता है। तो यह है सदर की तंग गलियां, जहाँ से होते हुए हम लोग को जाना पड़ता है अपने ऑफिस, ये थोड़ा शॉर्टकट है। गाड़ी थोड़ा भारी लगाएंगे, जय श्री राम भाई, भाई इधर ही लगा देता हूँ, यही लगाता। तो आ गए अभी अपने ऑफिस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना ब्लॉगिंग केस लेने के लिए बर्डी। तो दिखाता हूँ आपको मैं बर्डी का व्यू, और ब्लॉगिंग केस लेने के बाद आपको आवाज़ सुनाता हूँ कैसे। तो अभी हम लोग आए थे यूलान जी का केस लेने के लिए, हमारे बर्डी में ही एक दुकान है वहाँ आए थे। तो अभी फ़िलहाल हमने ले लिए गोप्रो 12 का, ये देखो ब्लॉगिंग केस ले लिए फ़िलहाल, ऑनलाइन नहीं मंगाए क्योंकि ऑनलाइन टाइम लग रहा था। तो इसमें करते हैं यहाँ से कैमरा सेटअप, और आपको ऑडियो सुनाता हूँ कैसी आ रही है फ़िलहाल। एडाप्टर वगैरह मैं लेके आया हूँ, ये देखो एडाप्टर साथ में लाया मैं, और गोप्रो भी लाया हूँ, तो आपको दिखाता हूँ फ़िलहाल क्वालिटी कैसी आ रही है। तो फ़िलहाल सेटअप हो गया हमारा हेलमेट, ये देखो ये हेलमेट हो चुका है, सेटअप हो चुका है हमारा हेलमेट सेटअप कुछ ऐसा। अब आपको इसका व्यू दिखाता हूँ कैसे रिकॉर्डिंग वगैरह आ रही है। ये था कैमरा शॉप जहाँ से हमने फ़िलहाल परचेस की है ये गोप्रो का केस यूलान जी, जो कि लग जाता है 9, 10, 11 और 12 में, और 13 में भी लग जाता है। और इसके पहले का था हमारे पास गोप्रो 8, तो उसका भी यूलान जी का केस पड़ा है लेकिन वो लगता नहीं है इसमें, तो इसलिए 1,250 रुपये का खर्चा और करना पड़ा। ऑनलाइन सस्ता था, ऑनलाइन 1,070 के आसपास था कुछ। तो ये हमारे नागपुर के बर्डी का एरिया, मैंने जैसे कि आपको वादा किया था कि आप कंटेंट कंटिन्यू मिलते रहेंगे, तो अभी आज हम लोग ने ले लिया फ़िलहाल अपना गोप्रो 12 भी आ गया और इसका ब्लॉगिंग केस भी आ गया। तो हाँ अभी फीलिंग अच्छी आ रही है थोड़ा, बहुत दिनों से विदाउट गोप्रो थे, 1.5 साल से पैसे भी नहीं थे, क्या करेंगे कि कैमरा ले सके नया। अब थोड़ा सा क्लियर हुए तो कैमरा लिए, बढ़िया फीलिंग आ रही है यार, जाम करके रखें। सिग्नल चालू है लेकिन रोक के रखिए, क्या बात है मालूम नहीं। कितना भी रहे तो जो आप एडाप्टर के थ्रू या मीडिया मोड के थ्रू यूज़ करते हो ना, तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर रहती है। लेकिन अगर से बारिश वगैरह होती है तो फिर अपने को वायरलेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पानी आता है तो अपन फिर ईयरबड लगा के यूज़ करेंगे, या देखेंगे ब्लूटूथ माइक वगैरह अपना हेलमेट में कनेक्ट होता है क्या। आज जो दोस्त था वो चले गए थोड़ा जल्दी, तो उसके इसमें पहले कनेक्ट करके देखेंगे, अगर से उससे साउंड अच्छा आता है तो फिर उसको लगाएंगे अपने हेलमेट में और उसको यूज़ करेंगे। ताकि मेरे राइट में है विधान भवन नागपुर का, जहाँ अधिवेशन होता है, अभी दिसंबर के महीने में यहाँ पे अधिवेशन चालू हो जाएगा। बाकी राइट में है मीठा नीम दरगाह, और अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं यहाँ से थोड़े दूर में ही है सिविल लाइन का एरिया। आपको यहाँ पे भीड़ हमेशा दिखेंगी क्योंकि पूरा सेशन कोर्ट, कलेक्टर एरिया, तहसील ऑफिस सब यहीं पे है, तो ज़्यादातर पब्लिक यहीं पे दिखेंगी। और यहाँ की फेमस है पातोड़ी, भूख लगी है एक पातोड़ी खाओ और आपका पेट बिल्कुल टनाटन हो जाएगा। बाकी अभी देखो ये मेरे जो लेफ्ट में देख रहे हो ना, यही लाइन में है डॉली की टपरी,
ये देखो ये पातोड़ी वाला दिखेगा, उसके बाद डॉली की टपरी पे कोई नहीं है फिलहाल अभी, खाली पड़ी है डॉली की टपरी। ये है डॉली की टपरी जो आप मेरे लेफ्ट में देख रहे हो ना, फोटो लगा के रखा है बिल गेट्स के साथ में, फिलहाल वो रहता नहीं अभी। डॉली की टपरी फेमस हो गया एरिया उसकी वजह से, बाहर बाहर से लोग आ रहे हैं उसको मिलने के लिए, लेकिन भाई गायब है अभी, भाई के दौरे चालू है बाहर। तो ड्यूटी से हो गई हमारी फिलहाल अभी छुट्टी, और हम लोग निकल रहे हैं अभी घर के लिए। फिलहाल ये क्वालिटी है गोप्रो की नाइट की, चेहरा पूरा चिपचिपा हो चुका है। चलिए शुरू कर दे अपनी राइड यहाँ से अपने घर तक की। यह है सदर की तंग गलियाँ, सदर मार्केट, कुछ महीनों के अंदर ही अपनी चालू होने वाली एक लॉन्ग राइड, बाकी ये बार ग्रुप राइड होने वाली है। बहुत लड़के लगे हैं प्रिपरेशन में, खास करके अपने साथ वाले पूरे लड़के जाने वाले हैं, तो 8 से 10 तो गाड़ियां हैं, बाइक और एक फोर व्हीलर भी है जिसमें 5-1 लोग वो जाने वाले हैं। तो साउंड क्वालिटी में फ़र्क देखो दोस्तों कैसा आ रहा है, मेन ब्लूटूथ से अगर से आप यूज़ करते हो लोकल माइक, उसका साउंड और इसका साउंड, साउंड में फ़र्क आ रहा है क्या बता। बाकी अपने पास एक माइक और है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपन, तो उसका भी टेस्ट लेंगे अपन कल। हाँ, आज से अपना चैनल का नाम भी चेंज हो चुका है, तो भाइयों अगर से जो अपने साथ जुड़े हैं तो चैनल का नाम अपना चेंज हो चुका है, उसके पीछे भी एक स्टोरी है, उसका भी एक वीडियो आएगा तो क्यों चेंज की हमने और क्या जर्नी नहीं रही हमारी अभी तक, ज़्यादा लंबी तो नहीं रही, 2000 सब्सक्राइबर ही चाहे देखा जाए तो, सब्सक्राइबर बहुत आराम से हुए हैं लेकिन जर्नी थोड़ी सी लंबी रही हमारी, कुछ सालों की जर्नी है और 2000 सब्सक्राइबर तक पहुँचे हैं सिर्फ हम लोग। और देखो सर पे कैप है, हेलमेट नहीं है, तो ये है MP पुलिस, MP की बाइक दिख रही है यहाँ से, हेलमेट तो भी पहनना चाहिए ड्रेस पे हो तो। तो गड्ढे खतरनाक हो चुकी है इधर के रोड पे, ये है ऑटोमोटिव चौक। तो दोस्तों आज का वीडियो अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।